देखो हो क्या रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 45 फाइव जैसे आपने पता है चल ही रहा था आपका तो बहुत सारा मतलब क्या होगा हो होगी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब उधर से युद्ध चल रहा है जर्मनी जापान एक साथ यू यू एस ए इस तरीके से मतलब अल्टीमेट तरीके से आपका डिस्ट्रॉय चल रहा था तो क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने या फिर एक मीटिंग बुलाई गई पहले आप समझिए एक ब्रेटन वुड्स में आपकी एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स आए जिसमें आपके 44 नेशंस गए पार्टिसिपेट किए इंडिया भी उसमें से पार्टिसिपेट करने वाला था और तो क्या रिजल्ट निकला कि भाई बहुत सारा हो गया तो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आपका कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए बोला ठीक है हम हाँ बनाते हैं तो वहाँ पर रिज़ल्ट क्या निकला एक तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी ठीक शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी और लॉन्ग टर्म के लिए भी बोला ठीक है तो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए आईबीआरडी और दूसरा आईएमएफ लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बना दिया गया रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए और शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए आई एम एफ बना दिया तो ये किस में बने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में फोर्टी फोर नेशन थे एंड वह क्या इसको बोला गया जो फोर्टी फोर नेशनस है ना इनको ओरिजिनल मेंबर बोला जाता है क्यों क्योंकि ये उस वक्त है बाद में जब के ऑर्डिनरी की बाद में इन्होंने जो मेंबरशिप ली इसको जो इसे जो फॉर्मेशन हुई है आईबीआईडी और आईएमएफ एम के थ्रू आपका ब्रेटन एन कॉन्फ्रेंस इसको बोला गया ब्रेटन एंड ट्वींस क्या बोला गया ब्रेटन क्यों बोला क्या बोला गया ब्रेटन एन वुड्स ट्वींस रीजन क्या थी सेकेंड वर्ल्ड वार के जो डस्टोर्ड हुए उससे आपको रिकवरी करनी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्ट जो टूट गया उसको रिकंस्ट्रक्ट करना एंड डेवलप डेवलपमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना तो दो तरीके के आपने यहाँ पर दिए अभी देखो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे आपके आई के बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ऑब्जेक्टिव सबसे पहले इंटरनेशनल मोनिट्री कोऑपरेशन एक कंट्री या एक कंट्री या जितनी भी डिफरेंट कंट्री एक दूसरे को मोनिट्री कोऑपरेट ऑपरेट करे आपस में लोन देने में आपके पास में कोई कॉमन करेंसीज के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करे तो आईमअ इस तरीके से मैनेज कर रहा था मतलब करना था इसका काम एक्सचेंज स्टेबिलिटी कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे अरेंजमेंट आपके पास रहे अमंग मेंबर्स कंट्री के टू अवॉइड कंपिटेटिव एक्सचेंज एप्रीशिएशन एक्सचेंज एप्रिशिएशन मतलब कि भाई आपके जैसे एक रुपये था आपको पता होना चाहिए एक रुपये एक डॉलर के बराबर था बताया था आपको ये बात एक रुपए एक डॉलर के बराबर था जब 1944 की कॉन्फ्रेंस में इवन आपका 1951 तक आपका ये एक रुपया एक डॉलर के बराबर था हुआ क्या इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में हमें पैसे की रिक्वायरमेंट थी मैंने अभी बताया आपको हमने एफ ओपन नहीं की बहुत कम रखा ओपन सेक्टर हम चले गए लोन लेने बोला ठीक है लोन दे देंगे 1948 में ही चले गए लोन मिल गया बोला लोन दे देंगे लेकिन अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन कर दो बताए ना आपको फॉरन एक्सचेंज डेप्रिशिएशन है एक तो होता है फॉरन एक्सचेंज डीवैलुएशन डी वैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है और जो आप वो होता है अपने आप होता है मार्केट फोर्स तो बोला आप अपनी करेंसी का डिएशन कर दो बोला ठीक है तो एक रुपये आप एक डॉलर और एक रुपये चार पैसे ये बराबर हो गए हमने उसको पैसा वापस भी कर दिया 1957 सेवन वापस भी कर दिया फिर लोन लेने गए इंडिया चाइना का युद्ध हो गया फिर पैसा चाहिए फिर डिवेल्यूएशन कर दो ऐसे ऐसे करते 1971 तक एक डॉलर हो गया रुपीज फोर का एक डॉलर चार रुपए के बराबर फिर आ गया फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट आप अडोप्ट करने लग गए फ्लेक्सीबल मतलब कि अब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सब होगा अब आपको पता है कि डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है वर्ल्ड वाइड करेंसी है उसकी डिमांड ज़्यादा है इंडिया का रुपये इंडिया के अलावा कहीं नहीं चलता सो so फिर क्या हुआ ऐसे ऐसे करके उसकी ग्लोबल डिमांड थी तो आपके रुपये आपका कमजोर होता चला गया डॉलर बढ़ता चला गया रिजल्ट आपके सामने है ठीक है तो ऐसे हुआ आपके साथ जो होना मतलब जो करेंसीज़ की वैल्यू हुई जो डेप्रीसीन आया ठीक है एक तो ऑब्जेक्टिव क्या था ये एक्सचेंज को स्टेबल रखना ठीक है कम्पिटेटिव डेप्रिसिएशन को इग्नोर करने के लिए एक था फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू कंट्रीब्यूट देयर बाय द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम क्या था कि अभी आपने पढ़ा है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के थ्री पिलर्स होते हैं डब्ल्यू टी ओ आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक तो जो आपका डब्लू टी ओ आपने वहाँ पर पढ़ा था कि वो कोऑर्डिनेट करता है आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक के साथ ये भी यही कर रहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड में हर कंट्री का शेयर बढ़े इंटरनेशनल में आपका क्या हो कंट्रीब्यूशन हो आपका प्रमोशन इंटरविटिव हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बने रियल इनकम बने तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है एक ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कम होता है आपने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट पर हम एक्सटर्नल डेट लेके आते हैं और एक्सटर्नल डेट लेके आते हैं यहाँ से स्ट्रक्चरल आपने नहीं पढ़ा था एक फंडामेंटल पढ़ा था स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं शॉर्ट टर्म होता है टेम्प्रेरी होता है तो टेम्प्रेरी के लिए इसके पास आ जाते हैं ठीक करने के लिए ठीक है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आपको पैसा दे देगा ठीक करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका लॉन्ग टर्म देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपकी इफ बी ओ पी इज इन डिसिक्यूल फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए है ना तो आप अप्रोच करो आई एम एफ के पास और अगर यही चीज लॉन्ग टर्म में चली जाए तो हम अप्रोच करेंगे वर्ल्ड बैंक को बस ये बात याद रखें ठीक है एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए मोनिटरिकेश्स के लिए बैलेंस ग्रोथ के लिए ट्रेड ग्रोथ के लिए एंड फॉर दी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए इसके ऑब्जेक्टिव्स है ठीक है अब इसके ओरिजिनल मेंबर अभी मैंने बताया जो ब्रिट वुड्स कॉन्फ्रेंस में थे इंडिया उनमें से था टोटल कितने थे फोर्टी फोर ठीक है ऑर्डिनरी जिसने बाद में मेंबरशिप ली आज के टाइम में कितनी है वन नाइनटी मेंबर है जो मेंबर डब्ल्यू टी आई एम एफ के होंगे वो मेंबर अपने आप ही वर्ल्ड बैंक के बन जाएंगे वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ के मेंबर सेम मिलेंगे आपको ठीक है लास्ट जो मेंबर है इसकी मेंबर कंट्री कितनी वन नाइन्टी और लास्ट है प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा ये जो हज़ार बीस में आपकी बनी लेटेस्ट अब हाँ नहीं वन नाइन्टी है भाई कौन का रहा है वन नाइन्टी थ्री यू एन ओ के है ठीक है यू एन ओ के वन नाइन्टी थ्री है इसके इतने ही है ठीक है डब्लू टी ओ के कितने हैं वन सिक्सटी फोर आपको बस ये याद रखना है आपसे कोई पूछे आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक के तो उसके कितने हैं वन नाइन्टी जो आप बोल रहे हैं ना वो उसके यू एन ओ के ठीक है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कैसे काम करता है वो देखो आप ऐसे होता है भाई इसका एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में क्या होता है कि इसकी मीटिंग ना जैसे डब्ल्यू की होती है दो साल में एक बार इसकी होती है साल में एक बार मीटिंग जिसमें एक तो गवर्नर होता है और एक आपका अल्टरनेट गवर्नर होता है ईच मेंबर कंट्री जैसे इंडिया से एक तो गवर्नर होगा कौन होता है गवर्नर जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता, होता है मोस्टली टाइम वो अल्टरनेट गवर्नर जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो अल्टरनेट गवर्नर होता है ठीक है तो गवर्नर और आपका अल्टरनेट गवर्नर इसमें छः तो परमानेंट मेंबर होते हैं और अठारह इलेक्टेड जो कि दो साल में आपका होता है एट्टी वो, वोटिंग के साथ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका ज़्यादा कोटा वो परमानेंट उस वक्त देखो यू 16.5 परसेंट कोटा के साथ परमानेंट मेंबर, फिर जापान 6.2, चाइना 6.1, जर्मनी का 5.3, फ्रांस का 4.1 और यूके का 4.1, तो ये तो है आपके छह परमानेंट मेंबर, किसके आईएमएफ में के वर्ल्ड बैंक में पांच परमानेंट आईएमएफ में छह परमानेंट छह परमानेंट है यूएसए जापान चाइना जर्मनी फ्रांस और यूके ठीक है और जो आपका जो क्या बोलते हैं इलेक्टिव मेंबर होते हैं दो साल में आपके आते हैं इलेक्टेड ठीक है आईएमएफ इलेक्टेड द मेम्बर कंट्रीज जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो करता है आईएमएफ की जो ये डिसीजंस होता है वो आपका 85 परसेंट वोटिंग से पास होते हैं मेजर डिसीजन और दो साल में आपके एक बार आपकी होती है मीटिंग होती है उसमें आपके इलेक्टेड मेंबर बन के आते हैं उसके बाद देखो क्या है आपके पास पांच वो अभी ना जब वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे तब कर लेंगे भाई ठीक है हाँ तो ये थे भाई आपके परमानेंट और इलेक्टेड और इंडिया का जो अभी रिव्यू हुआ फिफ्टीन कोटा में आईएमएफ का कोटा भी रिवाइज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका एट्थ प्लेस था और टू कोटा था आईएमएफ में इंडिया का एट्थ प्लेस पे था ये बात याद रखना ठीक है जो कोटा रिवाइज होता है पाँच साल में एक बार होता है लास्ट जो कोटा रिवाइज हुआ था वो कब होता है 2019 में नंबर कौन सा था फिफ्टींथ रिव्यू कौन सा था फिफ्टींथ रिव्यू अब कब होगा 2024 में वो कौन सा होगा सिक्सटींथ रिव्यू ये बात याद रखोगे आप ठीक है कब होगा सिक्सटीन्थ रिव्यू दो में और टू में हो गया फिफ्टी रिव्यू ठीक है इसके अकॉर्डिंग कोटा था, था अपना ये आपकी लेटेस्ट हमें पता होना चाहिए 2.76 और एट्थ आपका नंबर था ठीक है एक बात देखो यहां से देखो 1970 तक इंडिया ना परमानेंट मेंबर था इवन इंडिया की करेंसी के बेस पर आपकी एस की वैल्यू निकलती थी स्पेशल ड्राइंग राइट की लेकिन क्या हुआ कि फिर आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गई नाइनटीन में एंड सोलह से लेकर आप पांच करेंसी पे आ गए कि वैल्यू आपको पांच करेंसी जो टॉप की पांच होगी उसके बेस पे होगा सत्रह तक परमानेंट था बाद में आपका इलेक्टेड हो गया आईएमएफ का टोटल फंड 1977 बिलियन एसडीआर के रूप में था ठीक है तो मतलब एस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आई की करेंसी है चेयरमैन क्रिस्टर लेना जोर्जिवा है चीफ इकोनॉमिस्ट अपने इंडिया से गीता गोपीनाथ ये इंपॉर्टेंट है कि गीता गोपीनाथ की क्या पोस्ट है तो चीफ इकोनॉमिस्ट से भी अब इसकी प्रमोशन हो गया है शायद ये डिप्टी गवर्नर के रूप में है हाँ इसकी जो पोस्ट है ना भी अब ये हो गई है गीता गोपीनाथ की क्या डिप्टी हाँ डिप्टी हाँ हाँ ठीक है डिप्टी मैनेजिंग हाँ यही ठीक है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हो गया है हेडकोर्टर वाशिंगटन डी सी यूएसए और आई एम एफ बॉडी है यू एन ओ की ठीक है ओके मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फंड इज इलेक्टेड बाई द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बट हैज नो वोटिंग राइट एम डी जो होता है ना मेनेजि मैनेजिंग डायरेक्टर उसके पास क्या है इलेक्ट करता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता ठीक है वोटिंग राइट नहीं होता किसके पास होता है गवर्नर के पास होता है वो वोटिंग राइट अब एस डी आर क्या होता है भाई ध्यान से देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट नाइनटीन सिक्सटी नाइन में आया एक एस डी आर की वैल्यू देखो क्या रखा कि यू एस का एक डॉलर और इतना गोल्ड जीरो पॉइंट एट 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 सिक्स सेवन ग्राम ऑफ गोल्ड इसके अकॉर्डिंग हुआ और जो आपकी मैंने अभी बताया कि सेवनटी फाइव में मतलब सेवनटी थ्री तक आपकी फिक्स एक्सचेंज रेट थी फिर आपकी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गई सोला करेंसी के बेस पर आपकी वैल्यू कैलकुलेट होती थी एस डी आर की और एक डॉलर की इतनी रख दी गई फिर मैंने क्या कहा पांच पे ले आए आप तो एस डी आर की वैल्यू भी वैसे ही आपकी हो गई अब देखो अब एस डी आर की वैल्यू इन करेंसी के बेस पे डिसाइड होती है ये रहा ये पांच करेंसी ये बहुत बार आया एग्जाम में आगे भी आएगा कि एस डी आर की वैल्यू स्पेशल ड्रॉइंग रॉइड पेपर गोल्ड बोलते हैं इसको एस डी आर को क्या बोलते हैं पेपर गोल्ड ठीक है एस डी आर एस डी आर की जो वैल्यू डिसाइड कर रहे हो तो एक यूएस डॉलर का 41.73% परसेंट वेटेज लेते हो यूरोपियन यूनियन का जो 30.93%। उसके बाद चाइनीज का युआन, उसकी 10.92%। परसेंट एंड देन जापनीज येन 8.33% परसेंट और यूके पाउंड 8.09%। परसेंट तो ये भाई आप इन सभी को वैल्यू को निकाल के आप एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हो ध्यान से देखो आया हुआ है ऐसे भी आता है कि फोर्थ नंबर पे किसकी है थर्ड पे चाइना है तो पहले पे क्या होना चाहिए यूएसए पर वैसे भी याद हो जाएगा फोर्टी वन पॉइंट फोर्टी वन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट फिर यूरो, यूरोपियन यूनियन का जो यूरो थर्टी पॉइंट नाइन थ्री फिर तीसरे पे आया चाइनीज का युआन उसका क्या है टेन पॉइंट नाइन टू जापनीज जी एट पॉइंट थ्री थ्री एंड देन यूके पाउंड एट पॉइंट जीरो नाइन तो ये आपके पास ओके okay, उसके बाद आता है किसी भी कंट्री का मतलब कोटा कैसे निकाल निकालते हैं कोटा ऐसे निकलता है कि आपकी जीडीपी कितनी है उसका फिफ्टी परसेंट आपकी इकोनॉमी कितनी ओपन है फॉर दी वर्ल्ड एंड ओपननेस लिबरलाइजेशन कितना थर्टी परसेंट फ्लैक्चुएशन कितना होता है उसका फिफ्टीन परसेंट लेते हो आप और आपके रिजर्व कितने हैं उसका लेते हो आप फाइव परसेंट ठीक है रिजर्व के कितने आएंगे फाइव परसेंट यह आपके पास जी डी पी फिफ्टी ओपन थर्टी वेरियबिलिटी फिफ्टीन और रिजर्व आपके फाइव परसेंट ठीक है और देखो वोटिंग राइट right कैसे बनता है एक तो बेसिक वोट तो सबको मिलेगा ऐसे ही बनता है आपके पास ए मेंबर इज वोटिंग पावर इज बेस्ड ऑन वन वोट फॉर ईच एक लाख एस डी आर पर आपको एक वोट मिल जाएगा एडिशन टू द बेसिस वोट फॉर ईच मेंबर एक लाख एस डी आर रखो एक बेसिक वोट तो हो ही गया जो बेसिक वोट जो भी होते हैं किसी कंट्री के एक लाख एस का एक वोटर अलग से मिलेगा तो इस तरीके से आपका इसमें वोटिंग राइट बनेगा देखो वर्ल्ड बैंक टी में वन कंट्री वन वोट होता है आई एम और वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं है जिसके पास जितने शेयर्स होंगे जितनी कैपिटल होगी उतने ही ज़्यादा वोट हो जाएंगे आई एम के पास इतना है तो जिसका जितना उतना हो जाएगा ठीक है तो ये होता है आपके पास और इसका जो फंड जो लैंडिंग है वो किसका होता है मैक्सिको ने सबसे ज़्यादा फंड ले रखा है आई से ये आ जाता है ठीक है ट्रेंच पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोन देता है आपके आपको ठीक है रिजर्व ट्रेंच एंड आपका जो टूर क्या है फोर क्रेडिट ट्रेंच फोर क्रेडिट ट्रेंच होता है आपके पास ये फोर क्रेडिट ट्रेंच ठीक है कोई भी मेंबर जिसका उसका कोटा है उसका तीन सौ परसेंट तक का वो फंड मतलब निकाल सकता है आपका कोटा है उसका तीन सौ परसेंट तक फोर पार्ट्स में अपना निकाल सकते हो अपना फंड क्या बताया मैंने आपको तीन सौ परसेंट तक जो भी कोटा उसका आप लोन ले सकते हो ठीक है और ये कुछ इनके स्कीम्स हैं जिनके अंदर ये लोन देता है सबसे इम्पोर्टेंट आपका बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी बफर स्टॉक सबसे इम्पोर्टेंट में एक से आपका नाइनटीन में आई कौन सी बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी इसमें कितना है थर्टी परसेंट ऑफ इट्स कोटा क्या होता है बफर स्टॉक समझते हो ना ये कम्यूडिटी जो होती है उसके लिए स्टॉक्स के लिए बफर स्टॉक्स के लिए आपके लिए पैसा देता है कितना है थर्टी परसेंट है इसका फाइनेंसिंग द कम्युनिटी बफर स्टॉक मेंबर बाय मेंबर कंट्री ठीक है पेमेंट कब करनी है सवा तीन साल से पाँच साल के बीच में एक इसी के आगे आया सेवेंटी फोर में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ये आई हुई एग्जाम में ईयर के साथ मैच करना कि आपकी जो बफर स्टॉक फैसिलिटी है वो कब आई बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी तो नाइनटीन सिक्सटी नाइन में एक्सटेंडेड आई, आई आपकी नाइनटीन सेवनटी फोर में इसका काम क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कराने के लिए तीन सौ परसेंट ऑफ कोटा की आप ले सकते हो दस साल में आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी एक इसी के आगे आया आपका स्ट्रक्चरल फैसिलिटी उसके बाद क्या आया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी 1986 में इसका भी क्या था मीडियम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के लिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप लोन ले सकते हो इसमें आपका 50 परसेंट ऑफ कोटा ऐसे ले सकते हो फिफ्टी परसेंट फर्स्ट ईयर में सेकेंड में ट्वेंटी और फिफ्टी पर फिफ्टी तीन साल में आप लोन ले सकते हो रीपेमेंट इसमें ना बस इतना याद रखना आपने मेनली ईयर कौन सी है और क्या काम आता है बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना ये ईयर का ना कुछ और मतलब ये रीपेमेंट कब करना है कितना ले सकते इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है ये क्या आया फिफ्टीन ट्वेंटी और फिफ्टीन परसेंट फिर आया ई सैफ नाइनटीन एटी सेवन में ये भी मीडियम टर्म एंड फाइनेंशियल नीट ऑफ लो कंट्रीज के लिए था मतलब लो इनकम कंट्रीज के लिए एल के लिए था ठीक है और उसके बाद आया सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी एस एफ में इसका भी है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिजिट को ठीक करने के लिए फिर कंपनसेटरी कंटीजेंसी फाइनेंस फैसिलिटी ये आपके 1988 में ये याद ही करनी पड़ेंगे भी आपको कंटीजेंसी क्रेडिट लाइन 1999 में इसका भी है कि कंटीजेंसी देखो ये क्या था ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक आता है कंटीजेंसी क्रेडिट लाइन इंडिया एक आपकी साउंड कंट्री है मान लो यूएस एक साउंड कंट्री है अभी कोविड की सिचुएशन आ गई उसको बचाने के लिए मतलब उस कोविड की सिचुएशन से बचाने के लिए कंटीजेंसी आपके लिए फंड देगा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए अदर कंट्रीज में उससे आप बच पाओ ये तो देखो वर्ल्ड वाइड थे अभी जो कोविड की सिचुएशन थी इसी तरीके से जैसे यूएसए में 2006 से लेकर 2007 से लेकर 10 तक जो आपका ग्लोबल रिसेशन रहा मतलब जो आपका वहाँ पर रिसेशन रहा उसका इम्पैक्ट इंडिया में ना हो तो इंडिया इसको यूज कर सकता था इस तरीके की ये आपके पास है वोटिंग राइट देखो अभी बताया आपका बेसिक वोट जो आपका होता है 250 एडिशनल एक लाख एस का 250 सबके फिर आपके एक लाख एस पर आपको मिल जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके पब्लिकेशंस आ जाते हैं कि कौन कौन से आपके पब्लिकेशंस हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसका है डेवलपमेंट रिपोर्ट आएगी तो उसकी चली जाएगी वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आई रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक ये भी आपके आई एम एफ दोनों आउट, आउटलुक की भाई फिस्कल मॉनिटरिंग आपके आई एम एफ के पास और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी किसकी है ये भी किसकी है आईएमएफ की अब एक और क्वेश्चन आता है का फाइनेंशियल ईयर क्या है तो आई एम एफ का फाइनेंशियल ईयर है ये फर्स्ट मई टू थर्टी अप्रैल मई से स्टार्ट होता है इसका मई से लेकर तीस अप्रैल तक का ठीक है तो ये इसका है फाइनेंशियल ईयर और ये इसकी रिपोर्ट